मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़े शब्द विचार में। शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के हैं। तो कल आप लोगों ने पढ़ा कि शब्द जो है पांच प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक कार्य के आधार पर। तो कल हम लोग पढ़ चुके थे उत्पत्ति के आधार पर, आज है आपका दूसरा रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांट दिया गया, रूढ़, यौगिक, योगिक। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो दो शब्दों से बनते हैं लेकिन वो तोड़े जाते हैं या खंडित किए जाते हैं तो कुछ प्राप्त नहीं होता है, जैसे हो गया मान, नाम, तो ये सब नहीं बनता है। यौगिक है, यौगिक शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो दो शब्दों से बनते हैं, दो शब्दों के मिलने से बनते हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए कि घोड़सवार, घोड़सवार का मतलब होता है घोड़ माने घोड़ा, सवार माने उस पर सवार होने वाले, यानी घोड़सवार। जैसे मान लीजिए विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, यानी विद्या का घर, आलय माने घर। और तीसरा होता है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वैसा शब्द है जो अनेक शब्दों से बनते हैं, दो या दो से अधिक अनेक शब्दों से मिलकर के बनते हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न करके विशेष व्यक्ति या स्थान के लिए प्रकट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि सरोवर में कमल खिलता है, तो सरोवर में जब कमल खिलता है तो उसमें क्या होता है, कीचड़ रहता है जो मिट्टी और जल के मिलने से बनता है। तो उसमें जब कमल खिलता है तो उस कमल से हम महत्व रखते हैं और इस कीचड़ से हमारा कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसीलिए यह विशेष अर्थ को प्रकट करता है, इसलिए इसको योग रूप शब्द कहा जाता है। और इसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित होते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं, कि यह जो है वह लिंग वचन कारक और लिंग वचन कारक के द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं, लिंग वचन कारक के द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित होना यानी चेंज हो जाता है। और यह जो होता है वह चार प्रकार के होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद आता है अविकारी शब्द। तो ये अविकारी शब्द जो हैं, जैसे विकारी शब्द में देखिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के द्वारा ये परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन अविकारी शब्द जो है ये परिवर्तित नहीं होते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमी आदि। अब आता है आपका चार नंबर पर अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर दो शब्द होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द का मतलब होता है कि जो वह सही अर्थ बतावे उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिसका सही अर्थ नहीं निकलता है वह निरर्थक शब्द कहलाता है। सार्थक शब्द भी फिर पांच प्रकार के शब्दों में बढ़ जाते हैं, जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, श्रुति संहिनार्थक, समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द। ये पांच प्रकार के होते हैं विलोम शब्द, ये पांच छह प्रकार के होते हैं, यानी सार्थक शब्द जो है ये छह प्रकार से बट जाता है। पहला होता है एकार्थी शब्द, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, तीसरा होता है पर्यायवाची शब्द, चौथा होता है विलोम शब्द, पांचवा होता है श्रुति संहिनार्थक और छठा होता है समान अर्थ प्रतीत करने वाले शब्द। ये हो गया आपका सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए उसका अलग भाग नहीं होता। अब आता है आपका पांचवा और लास्ट व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर कहने का मतलब है कि भाषा के जो सभी शब्द होते हैं उसको हम व्याकरण के किसी न किसी वर्ग में रखते हैं। जैसे
कुछ शब्द जो होते हैं कर्ता का कार्य करते हैं, कुछ शब्द कर्म का कार्य करते हैं, कुछ शब्द क्रिया का कार्य करते हैं और कुछ शब्द क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। अतः इसके अनुसार हम इसे निम्नलिखित शब्दों में विभाजित करते हैं। तो निम्नलिखित शब्द में विभाजित करने का मतलब है कि ये जो होता है, अब जब शब्दों में जब विभाजित होता है तो ये आठ प्रकार का हो जाता है। पहला हो जाता है संज्ञा, दूसरा हो जाता है सर्वनाम, तीसरा हो जाता है विशेषण, चौथा हो जाता है क्रिया, पांचवा हो जाता है क्रिया विशेषण, छठा हो जाता है संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक और आठवां विस्मयादि बोधक। ये आठ प्रकार के शब्द होते हैं जो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर बांटे गए हैं। ये व्याकरणिक आधार पर ये सभी व्याकरण के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। इसका डिटेल जो है फिर हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसके लिए सिर्फ इतना ही है। अब आप लोग का शब्द विचार का चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग होमवर्क